एक विवाह ऐसा भी। सो फ्रेंड्स, हम लोग कल गए थे गोल्डन जुबली एनिवर्सरी पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए आपके साथ मैं एनिवर्सरी का वीडियो शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोगों को भी इससे ना देखने को मिलेगा कि किस तरीके से काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुई थी एनिवर्सरी। तो आपको इससे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और वीडियो को एंजॉय आप लोग करेंगे, क्योंकि हॉल में तो डीजे बज रहा था, तो वहाँ का वीडियो तो मैं आवाज़ के साथ नहीं शेयर कर पाई। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बाहर फिर उसके बाद बारात आई थी, अन्य ने मुझे मास्क देने आई है, क्योंकि उसकी सारी फोटो में मास्क में हो रही थी, हमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने उससे कहा मास्क उतार दो, और हम अभी हम लोग बैठे हुए, अभी ज़्यादा लोग आए भी नहीं हैं। घर के पास में ही था होटल, तो हम लोग चले गए थे जल्दी, और स्नैक्स वगैरह हम लोग ले चुके हैं, और अब हो रही है बारात आने की तैयारी, मतलब बारात, हाँ बारात आने की, स्वागत की उसकी तैयारी हो रही है। तो चलिए आप भी वीडियो को इन्जॉय करिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो मैंने भांगड़ा बाहर बज रहा था ना, तो वो मैंने ओरिजिनल ऑडियोस में डाला है, और अंदर डीजे बजता है तो फिर कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे, इस वजह से नहीं हम लोग डाल पाते हैं, वरना पार्टी फंक्शन का मज़ा तो म्यूज़िक के साथ ही आता है, लेकिन वो तो कुछ हम लोगों की मजबूरी हो जाती है जो हम लोग नहीं डाल पाते, वरना अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ। तो फिर बाहर का मैंने पूरा ओरिजिनल ऑडियो में ही शूट किया है, डाला है, तो चलिए आप भी इंजॉय करिए। सो फ्रेंड्स, देखिए ये बारात आ चुकी है और अंकल जी स्टेज पे बैठ गए हैं, और उसके बाद अभी आंटी की एंट्री नहीं हुई है, तो बस होने ही वाली है थोड़ी देर में। काफ़ी अच्छे से बारात वगैरह आई, और देखा आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा। तो चलिए अब होने वाली है ब्राइड की एंट्री। तो ये देखिए अब हो गई है ब्राइड की एंट्री, यानी कि आंटी आ गई हैं, और थोड़ा सा म्यूज़िक मैंने डाल दिया था क्योंकि सॉन्ग बड़ा अच्छा मुझे लगा, और सॉन्ग भी ना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे थे सॉन्ग के साथ, तो बहुत ही आप वीडियो को एंजॉय करते। लेकिन जैसा कि बताया कि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से हम लोग सॉन्ग नहीं डाल पाते हैं। तो ये आंटी की बहू हैं, और आंटी बहुत अच्छे से रेडी होके आई थी, और इनकी बहू ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की थी, बहुत ही अच्छे से सब किया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद आप जयमाल, केक कटिंग, ये सारी चीज़ों को एंजॉय करिएगा।
तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, तो आप वीडियो को एंजॉय करिए। जयमाल पढ़ने जा रहा है और थोड़ा सा ना आंटी शर्मा रही थी क्योंकि सब लोग रहते तो थोड़ा तो लगता है अजीब सा, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से पार्टी हुई, बहुत बढ़िया से। ये देखिए अंकल जी पूरा एकदम झुक के जयमाल डलवाए, और उसके बाद ये हो गया जयमाला का कार्यक्रम। उसके बाद केक कटिंग होगी, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। और उसके बाद ऊपर हम लोग खाना खाने गए ना, तो वहाँ का मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि वहाँ पर बड़ी गर्मी लग रही थी, तो इस वजह से। और गर्मी थी भी, बहुत गर्मी थी कल, लेकिन ये था कि हॉल में तो एसी था तो वहाँ पे इतनी नहीं लगी, ऊपर थोड़ी सी लगी, तो वहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पाई। फिर उसके बाद लेट भी हो रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे अन्या का स्कूल और उसको कुछ अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सब रखना था, तो वो भी मम्मा जल्दी चलिए लास्ट डे है आज स्कूल का, इस वजह से मैं जल्दी भी चली आई खाना खा के, तो वहाँ का नहीं मैंने शूट किया था। बाकी आप एंजॉय करिए वीडियो को, मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, म्यूज़िक के साथ आप वीडियो को एंजॉय करिएगा। काफ़ी अच्छी पार्टी भी थी, बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया, तो चलिए आप एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।